ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी नाश्ता हम बनाने जा रहे हैं जो कि आप 6 महीने से ले करके ऊपर तक के बच्चों को आप दे सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है और इसमें प्रोटीन रिच है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बना है, एकदम हेल्दी एंड टेस्टी ये नाश्ता जो 6 महीने के बच्चे से ले करके बुज़ुर्ग तक को ये दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में गाइस। तो ये देख सकते हैं हमने ले लिया है 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी चावल लिया हुआ है, 1/2 कटोरी चना दाल ले ली है और हमने ले लिया है मूंग दाल जो कि सेहत के लिए अच्छी होती है, तो ये भी हमने 1/2 कटोरी ले ली। थोड़ा सा कम है, 1-2 स्पून के करीब। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं हमने सारे धुल करके अच्छे से सुखा लिया था, ड्राई कर लिया था, तो अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। ये देख सकते हैं चना दाल और मूँग दाल और 1 टेबल स्पून काली मिर्च जिससे इसका तीखापन आ जाएगा इसमें। एक बार इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरा, बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, कोर्सली ग्राइंड करना। तो देखिए हमने ऊपर से पीस लिया था, मगर देखिए नीचे दाल ऐसे बैठ जाती तो उसको हम हिला देंगे जिससे कि पिस जाए, क्योंकि चना दाल होती है वो थोड़ा सा टफ होती है पिसने में। तो इसी वजह से अब इसमें हम डाल देंगे नमक 1.5 स्पून के करीब, क्योंकि हम मिक्स बना रहे हैं प्री मिक्स। इसको एक बार बना के आप रख लीजिए तो आप 7 से 8 दिन के लिए फुर्सत हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से मोटी चलनी लेंगे, चावल छानने वाले उससे छान लेंगे जिससे कि जो दरदरा सा पाउडर है वो सारा का सारा चला जाएगा और जो दाने रह जाएंगे हमारे चने के, तो वो सारे दाने ऊपर रह जाएंगे, तो उनको हम ग्राइंडर में डालकर फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए इसको हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे डाल करके। इसमें हम डाल देंगे 1 स्पून जीरा। गाइस ये जीरा हम डालना पहले भूल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें हम डालकर ग्राइंड कर लेंगे जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और ये सारा कुछ हम एक में ही मिक्स कर देंगे। आप मिक्सी में डालकर दोबारा मिक्स करना चाहें तब भी मिक्स कर सकते हैं, और ऐसे ही हाथ से मिक्स करना चाहें तब भी मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए हमारा प्री मिक्स बन करके रेडी हो चुका है, जो कि 5 मिनट में एक बार बना करके रख लीजिए और इससे नाश्ता जो बनाएंगे ना बच्चे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतना अच्छा और टेस्टी लगेगा। इसे आप एक तरह से सत्तू भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमने एक पैन ले लिया है अपना, तो इसमें हम डाल देंगे 4 स्पून घी, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो घी की मात्रा थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर जो डाइट को फॉलो करते हैं तो वो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 1 की जगह पर 2 स्पून घी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने 1/2 टेबल स्पून जीरा ले लिया जिसको भून लेंगे अच्छे से, 2 से 3 पिंच हींग जिसको इसमें ऐड करेंगे और ये भी भून लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे अपना सत्तू या वही प्रीमिक्स, 1/2 कटोरी हमने ले रखा है प्रीमिक्स क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं। एक बात और गाइस, इसमें मिर्च, तीखा, टमाटर ये सब आप अपने मर्जी से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जैसा तीखा चटपटा खाएं वैसा डाल सकते हैं। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे, जैसे चिली फ्लेक्स वगैरह डाल सकते हैं। तो देखिए इसका दाना दाना खिल करके आ रहा है। इसे आप जैसे सूजी का उपमा बनाते हैं तो आप इसे चावल और दाल का उपमा भी कह सकते हैं। ये देखिए गाइस, हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे मसलते हुए और जो इसके डंठल रह जाएंगे उनको हम हटा देंगे। एक बात और गाइस, ये होममेड कस्तूरी मेथी है क्योंकि हमने वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ चैनल पर दाएं जाकर के देख लीजिएगा अगर आपको चाहिए होगी तो। तो ये देखिए हमारा अच्छे से भुन चुका है, किचन में बिल्कुल स्मेल एकदम, किचन हमारी खुशबू से भर गया है। तो देखिए 1/2 कटोरी हमने लिया था प्रीमिक्स, तो हम 1 कटोरी डालेंगे पानी, सादा पानी है जिससे कि ये थोड़ा सा जब तक बॉयल आएगा तब तक ये अच्छे से जो दाल और चावल ये सब है मिक्स हो जाएगा, फूल जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हम पका लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट मुश्किल से लगता है बनने में। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, ढक करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे। देखिए इसमें हम डालेंगे काला नमक, देखिए हमने नमक नहीं डाला था पहले से क्योंकि हमने प्रीमिक्स बनाते समय नमक ऐड कर लिया था, तो इसमें अब हम डाल देंगे काला नमक। और ये डाला हमने चाट मसाला, चाट मसाला डालने से ये होगा ना थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए इसको बिल्कुल धीमी फ्लेम पर छोड़ देंगे जिससे कि इसका दाना दाना अच्छे से खिल के और अच्छे से पक के आ जाए। तो ये देखिए इस तरह चलाते हुए इसको ढक करके कुक करेंगे। और अगर आपको बच्चों जैसे 6 महीने के बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसमें
एक हाफ कटोरी सत्तू में, हाफ कटोरी सत्तू में, तो आप ले सकते हैं 2 कटोरी पानी, जिससे कि हल्का सा पतला होगा और उसे आप चटा सकते हैं, खिला सकते हैं। और बड़े लोगों के लिए आप इस तरह से बना लीजिए जैसे हमने बताया है पानी की मात्रा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बच्चे के लिए आपको लिक्विड ही बनाना है, बड़ों के लिए ड्राई बना देना है। पानी की मात्रा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लीजिए। ये देखिए गाइस, बन करके तैयार है हमारा, आप देख सकते हैं इतना यम्मी प्रोटीन रिच हेल्दी नाश्ता, और फटाफट बन जाता है। क्योंकि गाइस इसमें गर्मी है तो बिल्कुल मन नहीं करता ज़्यादा देर खड़े होने का। तो ये देखिए सर्व कर दिया है हमने ये प्रीमिक्स, और इसे हमने अचार और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप तो आप चाहें तो आप इसके साथ चटनी भी कोई बना सकते हैं अच्छी सी यम्मी सी। गाइस ये प्रीमिक्स बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है, क्योंकि बच्चे हमारे दाल वगैरह नहीं खाते हैं तो इस तरह से खाएंगे। और इसमें आप हरी सब्जियां जैसे मटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे कि हमने प्याज फ्राई, वो जीरा फ्राई किया था, उसी समय पर आप सब्जी डालकर फ्राई कर लें तो ये बहुत टेस्टी लगता है। हमने सिंपल सा फ्राई किया, सिंपल सा बनाया बिल्कुल, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इस समय गर्मी है, गर्मी में किचन में खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं करता। इस वजह से हमने ये छोटी सी रेसिपी लेकर के आए हैं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।